फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने मुंबई में फिल्म लैला मजनू की एक खास स्क्रीनिंग रखी, जिसके लिए बी टाउन से एक से बढ़कर एक डायरेक्टर्स ने शिरकत किया। सबसे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म के एक्टर्स तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी का क्या था कहना, सुन लीजिए। कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, आई जस्ट वांट पीपल टू वॉच द फिल्म एंड कम आउट हैप्पी। पता ही नहीं एक्सपेक्ट क्या कर रहे यार, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऐसा मौका पहली बार मिला है, होपफुली पीपल लाइक इट, दैट्स ऑल यू वांट। वहीं इस फिल्म को सपोर्ट करने आए राजकुमार हिरानी ने अपने दिल की बात कही। मैंने अभी देखने जा रहा हूँ फिल्म, और मेरे को दो इम्पोर्टेंट लोगों ने फ़ोन किया, एक अनुराग और एक इम्तियाज और बाद में प्रीति, सो आई हैड टू कम, देयर इज नो एस्केप। ये बच नहीं सकते, एंड आई एम छोड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते, और इन सब लोगों ने मिलकर बनाई है, तो कुछ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। साथ ही साथ अभिषेक चौबे, विक्रमादित्य मोटवानी और इम्तियाज अली ने भी अपने दिल की बातें हमसे शेयर की। ये तो फैमिली है अपनी यार, मतलब एज डायरेक्टर्स एंड एज शाजिद तो अपना बच्चा है, जानते हैं उसको 20 साल से आसपास। जमशेदपुर उड़ान मैंने शूट की थी, इनके घर पे रहकर शूट की थी मैंने, तो दिस इज माय फैमिली, सो मैं तो बहुत खुश हूँ यार। फिल्म देखना बेहद खास होगा कि जब 7 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों को ये फिल्म कितनी अच्छी लगती है।